रात के वक्त उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल का दरवाजा खटखटाया, बंदूक की नोक पर दो लड़कियों को अगवा किया, नदी किनारे ले जाकर सारी रात उनके साथ अपनी हवस का नंगा नाच किया और फिर सुबह होने से पहले उन दोनों लड़कियों को लहूलुहान हालत में उसी गर्ल्स हॉस्टल के दरवाजे के सामने फेंक कर चले गए। ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि उनका बॉस जेल में रहकर भी जुर्म की दुनिया में अपनी सरकार चलाता था। प्रयागराज की सड़कों पर टांगा दौड़ाने वाले फिरोज ने कभी नहीं सोचा था कि अपने जिस बेटे का नाम उसने बड़े प्यार से अतीक रखा है वो आगे चलकर जुर्म की दुनिया में इतनी अति कर देगा कि शासन प्रशासन से लेकर आम आमदनी की नाक में भी दम हो जाएगा और एक दिन वो अपनी ही अति का शिकार हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद की। आज हम लेकर आए हैं अतीक अहमद और उसके गुंडों की हैवानियत भरे कुछ ऐसे ही किस्से जिनके बारे में जानने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो इंसानियत के नाते ही सही पर इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। अतीक अहमद के पिता का नाम फिरोज अहमद था जो इलाहाबाद के चकिया इलाके में तांगा चलाता था और इसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण भी करता था। उसने अतीक को पढ़ाने लिखाने की बहुत कोशिश की लेकिन अतीक 10वीं क्लास से ज्यादा पास नहीं कर पाया। साल 1979 में उसकी उम्र जब 17 साल हुई तो उस पर हत्या का पहला आरोप लगा। इसके पीछे कारण था कि हाई स्कूल में फेल हो जाने के बाद उसका मन पढ़ाई लिखाई से हट गया और वो अमीर बनने के सपने देखने लगा। दूसरों से रंगदारी वसूलना, मारपीट करना, गुंडागर्दी करना उसका पेशा बन गया। यह बात भी कही जाती है कि अपने समय में अतीक अहमद ने प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्र में अपनी समानांतर सरकार चलाई है। साल 1989 में उसने चंद बाबा की हत्या की और अपने धंधे को बचाने के लिए राजनीति में कदम रखा। इसके बाद उसका खौफ लोगों पर कुछ ऐसा हो गया कि उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करता था और अगर कोई ऐसा करता तो अतीक अहमद गवाहों को डरा धमका कर मामले को शांत करा देता था। अतीक अहमद का डर कुछ ऐसा हो गया कि उसके मामले की सुनवाई करने से इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने भी मना कर दिया। जी हाँ, आपको हैरानी जरूर हो रही होगी लेकिन 10 जजों ने अतीक के खिलाफ सुनवाई से अपना नाम वापस ले लिया। साल 1979 से लेकर 2023 के बीच अतीक अहमद के खिलाफ 101 मामले दर्ज किए गए। जुर्म की दुनिया का उसका इतिहास 4 दशकों से अधिक रहा। अगर आप आगे भी इसी तरह सच जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं चांद बाबा हत्याकांड की। हाई स्कूल में फेल होने के बाद साल 1979 में हत्या के एक मामले में उसका नाम जोड़ा गया। यहीं से उसका दिमाग अपराध की दुनिया की तरफ घुमा। उस समय चकिया में शौक इलाही उर्फ चांद बाबा की तूती बोलती थी। जब चांद बाबा की नजर अतीक अहमद पर पड़ी तो उसने अतीक को अपना शागिर्द बना लिया और अपराध की दुनिया में आगे बढ़ाया। लेकिन साल 1985 तक अतीक अहमद का नाम तो चांद बाबा से भी बड़ा हो गया था। 1989 में अतीक अहमद ने इलाहाबाद की पश्चिम सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और चांद बाबा भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके थे। जब दोनों के बीच चुनावी मुकाबला हुआ तो चांद बाबा को केवल 9281 वोट मिले जबकि अतीक अहमद 25,906 वोट हासिल करके चुनाव जीत गया। इसके बाद उसने चांद बाबा को रोशन बाग इलाके में मार दिया। यह हत्या उसने चांद बाबा पर बम बरसा कर की। यहीं से उसके खौफ का साम्राज्य भी शुरू हुआ, अशफाक कुन्नू हत्याकांड। यह घटना साल 1994 की है जब अशफाक की हत्या में अतीक और अशरफ दोनों का नाम था लेकिन उस समय अतीक का टेरर कुछ ऐसा था कि उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई। इस घटना के 5 साल बाद 1999 में उस समय के सिटी SP लालजी शुक्ला ने इस मामले में पहली कार्रवाई की। तब यूपी में भाजपा की सरकार थी और अशरफ की गिरफ्तारी हुई। अब बात करते हैं मायावती से पंगे की। 2 जून 1995 मायावती की जिंदगी का सबसे खराब दिन कहा जा सकता है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन वाली सरकार थी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मायावती गठबंधन को तोड़ने के लिए गेस्ट हाउस में बैठकर बैठक कर रही थी। इस समय समाजवादी पार्टी के विधायक वहां पहुंचे और मारपीट करने लगे। मायावती के साथ भी बदतमीजी की गई और इस पूरे घटनाक्रम में अतीक अहमद की भूमिका को मायावती ने नोटिस किया। अतीक अहमद पर विधायकों को इकट्ठा करके गेस्ट हाउस तक पहुंचाने का आरोप लगा। अशोक साहू। साल 1996 में व्यापारी अशोक साहू को सिविल लाइंस इलाके में मार दिया गया। इसका आरोप अतीक अहमद के भाई अशरफ पर लगा। इस मामले में अतीक और उसके पिता जेल भी गए लेकिन अशरफ को बचाने के लिए इस घटना से 2 दिन पहले ही चंदौली थाने में एक तमंचे के साथ उसकी गिरफ्तारी दिखा दी गई और इस प्रकार अशरफ को इस मामले से बचा लिया गया। नक्सन।
अतीक अहमद और नक्सन एक दूसरे के काफी करीबी मित्र थे, लेकिन वार्ड पार्षद नक्सन ने जब अतीक अहमद के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया तो दोनों के बीच तनातनी शुरू हो गई और आगे चलकर साल 2011 में चकिया में अतीक अहमद ने नक्सन को मौत के घाट उतार दिया। हिंदुओं घर छोड़ दो, ये मामला साल 2015 का है। उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। अतीक अहमद ने कसारी मसारी मोहल्ले के रहने वाले सभी हिंदुओं को अपना अपना घर छोड़ने का ऑर्डर जारी किया। उसका कहना था कि हिंदुओं ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके मकान बना लिया है। मकान बनाने वाले हिंदू जब इस मामले को लेकर पुलिस के पास गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ, तब जाकर ये मामला सुलझ पाया। भाजपा नेता अशरफ का घर चकिया में अतीक अहमद के घर के सामने था। उसे केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसका नाम अतीक के भाई के नाम से मिलता जुलता था। भाजपा नेता के तौर पर अशरफ के काम से अधिक और उसके भाई को चिढ़ हो गई। अशरफ को मारने के बाद अतीक अहमद के गुंडे लेकर उसकी बॉडी चले गए। राजूपाल, साल 2004 में अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बनकर लोकसभा पहुंचा, जिसकी वजह से इलाहाबाद शहर की पश्चिमी सीट खाली हो गई और इस पर जब उपचुनाव हुए तो वो चाहता था कि उसका छोटा भाई अशरफ चुनाव जीत जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इस क्षेत्र से राजूपाल को खड़ा किया और वो जीत भी गया। इसके बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े सिटिंग एमएलए राजूपाल को दुनिया से उठा दिया गया। इतना ही नहीं, जब राजूपाल के बॉडी को ऑटोप्सी के लिए ले जाया जा रहा था तब पुलिस की गाड़ी का पीछा किया गया और 56 किलोमीटर दूर अस्पताल परिसर में राजूपाल के मृत शरीर को एक बार फिर गोलियों से छलनी किया गया। इस मामले में अतीक और उसके भाई अशरफ दोनों पर गोली मारने का आरोप लगा। साल 2017 में अतीक के एक नजदीकी व्यक्ति का बेटा परीक्षा में नकल कर रहा था, इसलिए उसे निकाल दिया गया। इस मामले में अतीक पर आरोप था कि उसने वहां पहुंचकर काफी हंगामा मचाया। इस मामले में जब अतीक अरेस्ट हुआ तो उसके बाद वो जेल में ही रहा, जेल में रहकर बिल्डर की पिटाई। 23 दिसंबर 2018 को मोहित जायसवाल नाम के एक बिल्डर को अतीक अहमद के लोग उठाकर ले गए। वहां से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित देवरिया जेल में पहुंच गए। बिल्डर के साथ रास्ते में मारपीट की गई। उस समय अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद था। देवरिया जेल में अतीक अहमद के सामने उसे पेश किया गया, जहां उस पर जबरन दस्तखत कराए गए और उसके 45 करोड़ की संपत्ति को हथिया लिया गया। इस मामले में अतीक के बेटे उमर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उसके ऊपर 2 लाख का इनाम भी घोषित किया, हालांकि बाद में उसने सरेंडर कर दिया। राजूपाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल को भी अतीक अहमद के बेटे ने अपने गुंडों के साथ मिलकर मरवा दिया। इस मामले में मीडिया ने तूल पकड़ा और फिर आगे चलकर अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य धराशाही हो गया। आगे चलकर अतीक और अशरफ को पुलिस कस्टडी में मीडिया के सामने तीन ऐसे लड़कों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जिन्हें कोई नहीं जानता था। तो ये थी अतीक अहमद के जुर्म की दास्तान से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं जिनके दस्तावेज कानून के पास है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अतीक अहमद को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जनता का समर्थन नहीं मिलता और इसके बाद उसे सत्ता में बैठे राजनीतिक दल का समर्थन नहीं मिलता तो क्या वो इतना बड़ा माफिया और डॉन बन सकता था? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर क्यों जनता अपराधी को हीरो बनाकर सर पर बैठा लेती है। धन्यवाद।